हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। मैं आपका वेंकटरमन स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे वीडियो के डाल रहा हूँ जो भगवान के ऊपर है, यानी कि श्रीमद् भागवत के ऊपर एक कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में प्रमुख आते हैं श्री कृष्ण परमात्मा की कथाएं ज़्यादा होते हैं, उनके ही कथाएं। वो भगवान के दशावतार आते हैं और श्री रामचंद्र प्रभु जी, श्री कृष्ण परमात्मा जी, कल्कि अवतार और नारायण अवतार, नरसिंह अवतार और सभी आते हैं, दशावतार और सब आते हैं। नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थिति लयो नियति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सौख्य दुख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। ओम जन्माद्यस्य यतो अन्वया यतरतः चार्तेष्व विघ्नस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यम सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। और परमात्मा की इस कथा में आप भी शामिल हो जाइएगा। आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मेरे योग्यता के अनुसार शुरू करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत से ऐसे छोटे छोटे किरदार आते हैं, ऐसे भगवान की भक्तों की कहानी आती है जो हमको सबको सुनना चाहिए और उससे पावन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसके कारण सबको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही श्रीमद् कृष्ण परमात्मा के दूसरे रूप है, यानी कि कृष्ण परमात्मा जब अदृश्य हुए तब ये छोड़ गए, ऐसे बोलते हैं। श्रीमद् भागवत ये कथा श्रवण सबके लिए एक चिरंजीवी जैसा है। और परमात्मा के अवतारों में श्री राम अवतार, श्री कृष्ण परमात्मा अवतार, बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और बहुत से अवतार आते हैं। और इनमें बहुत से अधिक प्रेरणादायक यानी कि अद्भुत कथा में एक है श्री कृष्ण परमात्मा की कथा। बहुत छोट बाल लीलाएँ हैं उसमें, जैसे कि देवकी नंदन बोलते हैं ना, देवकी नंदन आदि पुरुष ऐसे बोलते हैं परमात्मा को। और भगवान की कथाओं में हमको सुनने में आता है कि भगवान क्यों इतने कष्ट उठाते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान को कष्ट नहीं होता। ये हम सामान्य लोगों के लिए दिखावे के लिए परमात्मा ऐसा लीलाएँ करते हैं, मैं ऐसा कहा जाता है। और परमात्मा की इन अवतारों में ये खूबियाँ भी होती है, सिर्फ खूबियाँ ही होती है, कोई अवगुण नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा के इस अवतार में या उस अवतार में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सभी परमात्मा के अवतारों में कोई भेद नहीं होता है शायद। और राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार, बौद्ध अवतार या मत्स्यावतार, कूर्मा अवतार, ये सभी ऐसे हैं जो हमको पावन बनाते हैं। हमको भी हर दिन इनका श्रवण जरूर करना चाहिए और श्रवण करके हमको पुनीत होना जरूर चाहिए और मोक्ष के हम की अपेक्षा इससे ही होती है। और पुराने ज़माने में हर दिन प्रवचन लगाते थे और उससे जन्म पावन करते थे। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता, बहुत कम हो गया है,
और सात्विक लोग भी बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हम आज से मैं ये भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। आप जरूर इसका सहयोग दीजिएगा और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए वीडियो में बहुत से ऐसा ला रहा हूँ मैं जो आप सबको उपदायक होगा। और आज से प्रथम कथा शुरू कर रहा हूँ। ओम नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थिति लयोन्नियति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सौख्य दुख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोक नमस्कृतं त्रैगुण्यवर्जितं अजं विभुमाद्यमीशं वंदे भवज्ञममासुरासुर सिद्धवंद्यं। ओं जन्माद्यस्य यतो अन्मया यतरतः चार्तेष्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजोवारिमृदां यता विनिमयो यत्र त्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयात्मरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणाद् भवेत्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिप्रचोदयात्। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। आपादमणिपर्यन्तं गुरुणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। हरिः ओम। पिछली बार आपने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन करा दिया, यानी कि श्रीमद् भागवत का, भागवत के बारे में हमने कितने कथा है, कितने स्कंद है और क्या क्या अवतार आते हैं इसके बारे में, छोटे छोटे किरदार क्या क्या है वो हमने सुना। और इसके आगे हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के पूर्व, यानी कि प्रथम स्कंद से पहले भक्ति की कथा आती है, श्री नारद महर्षि की कथा आती है। एक बार क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए शौनकादि मुनिवर है वो नवमीशारण्य में सूत पुराण कृ से प्रश्न करते हैं, नमस्कार करके क्या प्रश्न करते हैं कि महनीय सूताचार्य जी, अज्ञान के अंधकार से इस निवारण को कैसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे उन्होंने पूछा। इसके बारे में कुछ ऐसे कथा बताइए कि हमको भी सुनकर बहुत अच्छा लगे और हमारा जन्म भी पावन हो सके। इससे सुनकर वो बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, इसके लिए एक ऐसी कथा बताता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। श्री नारद जी के पात्र बहुत प्रमुख है, क्योंकि नारद जी जब सकल लोक संचार कर रहे थे तब उनको एक ऐसी घटना दिखी जो बहुत चकित हो गए वो। क्या घटना दिखी अभी इसके बारे में अभी पता चल जाएगा, यानी कि हम बताने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक स्त्री, यानी कि बहुत उनकी आयु नहीं हुई थी, एक ऐसी स्त्री बैठी थी और उसके साथ जो वृद्ध लोग भी बैठे थे, ऐसे ही प्रज्ञाशून होकर वो लेट गए थे। इनको देखकर आश्चर्य भी हुए और घबराहट भी हो गए उनको, ये क्या है, मैं ऐसे कभी नहीं देखा मैंने, ऐसा वो समझे सोचने लगे और ये सोचते सोचते वहीं पर आ गए और उनसे पूछा उन्होंने
और उन उस स्त्री से उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और ये वृद्ध लोग कौन हैं और ये स्त्री लोग भी कौन हैं, ये यहाँ पर पड़े हैं, ऐसे क्यों पड़े हैं और उनको इनको क्या हो गया है और के दुख का स्वरूप क्या है, ये सब का कारण मुझे पता चलना चाहिए, ऐसे बोले वो। इस सब सुनकर वो स्त्री बहुत खुश हो चुकी उठी और उनको आदर सत्कार किया और प्रश्नों का उत्तर देने लगी और बोलने लगी, महात्मा जी यानी कि बोले कि नारद महर्षि जी, मैं मेरा नाम भक्ति है और यहाँ दो लोग हैं जो वृद्ध होकर लेटे हुए हैं, वो हम मेरे दोनों बेटे हैं, यानी कि एक ज्ञान है एक वैराग्य है इनको दोनों का नाम, और ये क्यों ऐसे बैठे हैं या लेटे हैं कि शक्तिहीन क्यों हो गए कि इनको कलिबाधी हुई है, कलिबाधा हो गई है, यानी कि इसके दुरावस्था का कारण यही है, कलिबाधे के कारण इनका ये दुरावस्था हुई है, यानी कि जब कलि प्रवेश करता है तो भाई बाधित करता है, ऐसे बोले। और इसके आगे बोलते हैं, ये सब स्त्री जो आप देख रहे हैं ये सभी भारत देश के गंगा दे पुण्य नदियाँ है, उनके अधिदेवता है। अभी मेरे बारे में ज़रूर एक कथा सुनिएगा कि मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, वहाँ पर मैं पैदा हुई और आगे बढ़ी मैं, और महाराष्ट्र में मैं गुर्जर यहाँ का सब जगह घूमी हूँ मैं, और कलिभादे से मेरा अस्तित्व ही निर्नाम होने का आया है और कुछ ऐसे दुष्ट लोगों से मेरा नाता पड़ गया, इससे मेरे दोनों बेटे ऐसे कुंडित हो गए हैं, और पुण्यवशात इस वृंदावन में जब से आया हूँ मेरा रूप और यौवन सब प्राप्त हो गए और फिर बलवान हो गया हूँ मैं, फिर भी मेरे दोनों बेटे उठ नहीं रहे हैं और इनको बाधा पीड़ित हो गए हैं कलिबाधा, इसलिए आप जो कुछ आप ऐसे करिए कि इनको पीड़ा से मुक्ति पाए, ऐसा करिए, मेरे दोनों बेटों को अच्छा कीजिए आप, ऐसे बोले वो। और इसके बाद अब नारद जी बोलते हैं, हे मंगलांगी स्वामी, इस कलियुग के प्रभाव से सदा सब लोगों में ऐसा ही हो रहा है, अभी तपस्या और भगवत कथा श्रवण ये सब बंद हो चुके हैं, इस कारण ये सज्जन लोगों के लिए अच्छा काल नहीं है, सिर्फ दुर्जन लोग ही संतोष रह सकते हैं, ऐसा काल है। इस दुष्काल में तुम्हारा बेटों को क्या है, लवलेश में नहीं है, ऐसा हो गया, इस वृंदावन क्षेत्र में कुछ पुण्य बचा है इसलिए तुम्हारा दोनों बेटे बचे हैं, तो तुम भी बची हो, ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं ना, बहुत अशक्त हो गए हैं, ऐसा हो गया, इस हाल हो गया, ऐसा बोले। एक ऐसे कथा सुना तो तुम्हें जो सुनो, तुम्हारे मात्र नहीं, एक पूर्व काल में कलि जब प्रवेश किए, जब साक्षात परीक्षित राजभार कर रहे थे, जब कलि प्रवेश किया, उस नीच कलि ने क्या किया पता है, सभी जगह ऐसे दुराचार करता था, इसके आगे क्या हुआ कि परीक्षित राज इसको सहन नहीं हुआ और इस कलि को ही समाप्त करता ऐसे तिरमान किया और उसके आगे ऐसा हो गया, ऐसे बोलते हैं। और इस आगे सुनो, जब प्राण के ऊपर आया तो कलि ने बोला, उसको प्राण भिक्ष दे दिया परीक्षित राज ने, ऐसा कहते हैं। इस कलयुग में श्री कृष्ण परमात्मा के दूसरा भगवान नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे बोले नारद जी। और सकल साधन संपत्ति से अलावा श्री कृष्ण परमात्मा के ध्यान करो तुम, ऐसे बोले। और श्री कृष्ण परमात्मा अलावा और भी तुम्हें प्रियतम कोई भी नहीं है,
ज्ञान वैराग्य भक्ति तुम्हारे ये दोनों बेटे हैं, पुत्र है, तुम्हारा तुमको दिया है ऐसे। और द्रौपदी देवी के जैसे कष्ट हरण है ना, कष्ट हरता है, कष्ट हरण किया उनका, ऐसा ही तुम्हारा भी पुत्र का कष्ट हरण करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा के भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिनको कोई झुकला नहीं सकता। इस श्लोक में श्री कृष्ण के पाद सन्निधि ही एक ऐसा भक्ति मार्ग है जिससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, ये वेद सम्मत भी है। और इससे कोई दूसरा परम साधन भी कोई नहीं है। और इसके आगे उनको कानों में से यानी कि नारद जी बोले, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 3 बार बहुत ज़ोर से बोले, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और सूताचार्य बोलते हैं शौनकाज से, आगे क्या हुआ बताइए, ऐसे बोले। भक्ति यानी कि भक्ति के दोनों पुत्र के आगे क्या हुआ ऐसे पूछे वो। शुक महर्षि क्या बोले अब पूछता है, यानी कि अभी आगे ऐसे कथा सुनाते हैं, ऐसे उपाय बोलते हैं कि शुक महर्षि बोले इसके दोनों पुत्र का एक ही मार्ग है, उपाय है, वो क्या है कि श्रीमद्भागवत का श्रवण वो करे तो श्रवण पान यही एक उपाय है, ये करे तो अच्छे हो जाएंगे, ऐसे बोले। श्रीमद्भागवत का कथन जब नारद जी उनके कानों में बोले तो वो अच्छे हो गए दोनों बेटे, और बहुत ही खुश भी हो गए। माता के लिए और भी अच्छा क्या हो सकता है। ये भक्ति और उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों अच्छे हो गए और भगवत श्रवण में लीन हो गए, ऐसे बोलते हैं। इससे भगवत के दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यानी कि इस भागवत ग्रंथ से हमें यही प्राप्ति होती है, ज्ञान मोक्ष वैराग्य सब प्राप्ति होती है, ऐसे कहा जाता है।